बताना है शौर्य ने माता की पूजा की या नहीं। हेलो दादी, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं इस वक्त आपकी होने वाली बहू को ही देख रहा हूं। दादी साहब, वो बहुत खूबसूरत है, सच में आपको जैसी बहू चाहिए थी ना दादी साहब, बिल्कुल वैसी ही है। आपको खुश देखकर हम बहुत खुश हुए। दादी साहब, आज चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं मैथिली से एक बार तो मिलकर ही रहूंगा और उसे अपने साथ लेकर माता के मंदिर में माथा टेकने भी जाऊंगा। नहीं शौर्य बेटा, ऐसा मत कीजिए। दादी साहब क्यों? हमारे यहाँ शादी से पहले लड़का लड़की मिला नहीं करते। ये लीजिए दादी साहब, जैसा आप चाहती थी वैसा ही हो गया। मैथिली चली गई यहाँ से। देखिए, हम लोग ये कहना चाहते थे कि शौर्य और मैथिली अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने से पहले एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लें, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो शादी के बाद वो हनीमून के लिए कहीं बाहर जाए। देखिए, हम सब इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन मैथिली आपके घर बहू बनकर जा रही है और आप लड़के वाले हैं, आप लोगों को जैसा ठीक समझे आप वैसा ही कीजिए। हम शादी के बाद हनीमून पर कैसे जा सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो भवरी की शादी में कैसे जाएंगे? नहीं, हम नहीं जा सकते। अरे भवरी दीदी, तुम्हें मालूम है खाना होने वाला भी घर में है, हमें देखना तो चल जल्दी चल। कही बोल रहा है सच्ची? चल बेटा चल। अरे हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया, ब्याह की रात को ही हम लोग माउंट आबू की ट्रेन पकड़ करके जा रहे हैं। अरे भाई, अपने अनादि की बिंदड़ी को ससुराल जो ले जाना है। मैंने थारे से एक बात तोड़ ली, जी बात मैंने अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मारा थारा ब्याह एक ही दिन हो रहा है, मैं थारी शादी में कैसे आऊंगी? ये जो हमारे ससुराल वाले हैं ना, जे तो मैंने उसी दिन लेकर जा रहे जी। कौन सी जगह है? माउंट आबू। हाँ, अगर ऐसी बात है ना तो हम तुम्हें ऐसी खुशखबरी देने वाले कि तुम खुशी के मारे बाबली हो जाओगी। अच्छा, कई बात कि हम शादी के दिन मिले ना भी। हाँ, और शादी के बाद जरूर मिलेंगे। ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि हमारे बिंद हमें हनीमून के लिए ले जाना चाहते थे। हाँ। और वो भी माउंट आबू। ये तो बड़ा चौक होगा। ना छोड़ियो ना। अब चाहे एक साथ रहो या अलग अलग रहो। नियति था लोगा की तकदीर लिख चुकी है, अब तो आने वाले वक्त में था दोनों की जिंदगी था के वास्ते इशो खेल खेल सी कि तुम्हें रो सकोगी और न ते हंस सकोगी। था दोनों की नियति तो तय हो चुकी है, अब था दोनों की या तो थम कु था दोस्ती तार तार हो जासी छोरियो, तार तार हो जासी। क्यों पुजारी बाबा बार बार ऐसी बातें कहकर चले जाते? क्या होने वाले हमारे और भवरी के साथ?